नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल नाइस क्लास के अंदर। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, जल अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे होता है ये इलेक्ट्रोलिसिस, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और हम घर पर ही अपने स्कूल में कुछ बेकार पड़ी चीज़ों से इस क्रिया को कैसे कर सकते हैं, इस क्रिया के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या परिवर्तन हमारे अपघट्टे के अंदर, हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर और हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं क्या देखने को मिलते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या और परिवर्तन हम देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने लिए खाली बाल्टी और साथ में अपने इलेक्ट्रोड को कवर करने के लिए यहाँ हम ले रहे हैं दो खाली बोटल्स। साथ में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमने दो तार लिए हुए हैं और इन तार को आगे से मोड़ा हुआ है स्प्रिंग की तरह से। पावर देने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट की कार वाली बैटरी, और कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे चार चिमटी प्रयोग कर रहे हैं। इसके दो पॉइंट हम लगाएंगे बैटरी के इन दो सिरों पर, और दूसरे सिरे हम लगाएंगे अपने इलेक्ट्रोड के सिरे पर। इसी के साथ साथ हम गैस को इकट्ठा करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं दो ड्रिप पाइप, जिनको हम बोतल से लगा देंगे और इनको हम अलग से इकट्ठा करके देखेंगे। प्रयोग करने से पहले हम बोतल को इनके गली के पास में छेद कर रहे हैं, इनको एक पेंचकस या कील को गर्म करके छेद कर देंगे, जिससे दोनों बोतल के बीच में जो हम प्रयोग पानी प्रयोग करेंगे उसके बीच में संपर्क बना रहे, और विद्युत धारा का प्रवाह इनके द्वारा होकर के इलेक्ट्रोड तक पहुँच सके। बोतल का ढक्कन के ऊपर भी दो छेद करेंगे, ये छेद भी हम पेंचकस को या कील को गर्म करके कर सकते हैं। एक छेद में हम घुसाएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपरी सिरे को, और दूसरे के अंदर हम डालेंगे जो ड्रिप पाइप है उसके एक पॉइंट को, जिससे कि हम गैस को इकट्ठा कर पाएँ और उस गैस को हम परीक्षण कर पाएँ। इस तरह से हमारा ये व्यवस्था, इस अरेंजमेंट हम तैयार कर पाएंगे, और हम इन इलेक्ट्रोड को बोतल के अंदर डाल देंगे, और ऊपर से यहाँ से जो पाइप है, जो ड्रिप पाइप है, वो निकला रहेगा, जो निकलने वाली गैस को इकट्ठा करने में सहायता करेगा। इस तरह से हमारे ये इलेक्ट्रोड कार्य करने के लिए तैयार है। इन्हें हम बाल्टी में डाल देंगे दोनों बोतल्स को, और फिर इसके अंदर डालेंगे पानी, और पानी में बोतल डालने से पहले उसके अंदर हम धारा प्रवाह को और अच्छी तरह करने के लिए उसमें कोई लवण, जैसे कि घर में प्रयोग करने वाला नमक डाल देंगे, या इसके लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोड को और बैटरी के सिरे को हम चिमटे की सहायता से इस जलक तार की सहायता से जोड़ देंगे। अब बाल्टी में पानी बहुत भर लेंगे, और इस पानी के अंदर हम डाल देंगे कोई लवण, जैसे कि नमक या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा ये पानी बन जाएगा अब भट्टे या इलेक्ट्रोलाइट। हम 2-3 चम्मच नमक डाल सकते हैं, जिससे कि पानी की कंडक्टिविटी, पानी की चालकता बढ़ जाए। अब इसे डालने के बाद में अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो जाएगा।
का कनेक्शन हो गया है बैटरी के द्वारा, और हमें आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोड के पास छोटे छोटे बुलबुले निकलने शुरू हो गए हैं, और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से जो एनोड है जो खत्म होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रोड के ऊपर से धातु घुलने लगी है, जिस कारण से इस पानी का रंग, इस बोतल के पानी का रंग थोड़ा भूरा सा हो गया है, जो इस धातु के लवण बनने के कारण से हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे धातु ली हुई है आयरन, तो संभवतः ये कोई आयरन का ही लवण बना हुआ है। इस तरह से रिएक्शन जो हम देख पा रहे हैं, और जो गैस निकल रही है बुलबुले के रूप में उसे हम इकट्ठा करके इस पाइप के द्वारा चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे तो हम आगे देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि हमारी बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो गई थी, तो हमने इसको बैटरी को हटा करके इसके स्थान पर इस 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने वाला चार्जर लगाया है, तो करंट अब थोड़ा सा बढ़ गया है। यहाँ गैस को चेक करने के लिए हमने इन दोनों बोतल से जो पाइप बाहर निकल रहे हैं इनको साबुन के घोल के अंदर डाल दिया है, तो गैस बाहर निकलेगी, उसके फलस्वरूप इस साबुन के घोल में यहाँ बुलबुले बनेंगे जिन्हें हम निकलते हुए गैस को चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम इन बुलबुलों के द्वारा निकलते हुए गैस को देख पाएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि साबुन के घोल के अंदर बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं जो निकलती हुई गैस को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस गैस को अगर हम जला करके देखें तो हम देख पाएंगे कि जो पहली गैस निकल रही है जो धातु सिरे से निकल के आ रही है ये माचिस की जलती हुई तीली को थोड़ा बढ़ा देती है, तो संभवतः ये ऑक्सीजन है। जब दूसरी गैस के पास में जो दूसरे पाइप से निकल के आ रही है जो इसका ऋणात्मक सिरा है, तो माचिस की तीली जल रही है उसकी लौ थोड़ी सी कम हो जाती है, हम देख सकते हैं, तो संभवतः ये ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ये हाइड्रोजन गैस हो सकती है क्योंकि ये पानी से बन के आ रही है। तो इस क्रिया के दौरान हमने देखा जो हमने जल इकट्ठे लिया था, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, उसका रंग बाद में बदल गया, तो शुरुआत में रंगहीन था, इस प्रक्रिया के दौरान उसका रंग बदल के कुछ पीले से रंग का हो गया है। इसका कारण क्या रहा होगा? जो हमने धातु लिए हैं, जो हमने इलेक्ट्रोड लिए हैं, वो थोड़ा सा घुलने के बाद में इस जल में घुल गया और उसने उसका रंग बदल दिया। साथ में हमने देखा इस प्रक्रिया के दौरान कुछ गैसें बाहर निकली हैं जिनको हमने पाइप के द्वारा साबुन के घोल के अंदर डाला, और इस गैस को हम बुलबुलों के रूप में निकलता हुआ देख पाए। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रोड लिए हैं उसका रंग किस प्रकार से बदल गया है। यह दो इलेक्ट्रोड जो हमने शुरुआत में लिए थे, इसमें एक का रंग जो घुल चुका है, इसके ऊपर कुछ डिपोजिशन हुआ है, कुछ धातु यहाँ से निकली है, और ये दूसरी धातु जो हमने ली थी, दोनों एक ही धातु हैं, लेकिन जो हमने विलायक लिया है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसकी क्रिया के फलस्वरूप इसके अंदर एक परिवर्तन हो गया है। साथ में हमने चेक किया जो हमने गैसें ली हैं वे कौन सी गैस हो सकती हैं। हमने देखने का प्रयास किया जब हम गैस के पास में एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर आए थे, तो एक गैस के प्रभाव से तीली में थोड़ी सी जो ज्वाला थी थोड़ी और तेज हो गई, लेकिन जब हम दूसरी गैस के पास को लेकर गए तो उसके प्रभाव से लो थी थोड़ा कम हुई है, क्योंकि गैस का जो उत्पादन हुआ है बहुत ही कम था, तो उतना हम उसको क्लियरली नहीं देख पाए, उसको हम सही रूप से नहीं देख पाए, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको महसूस किया। और हम यहाँ पे कह सकते हैं जिस गैस के संपर्क में आने के बाद में ज्वाला थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ा बढ़ी है, वो गैस है ऑक्सीजन, और जिसके संपर्क में आने पर ये ज्वाला थोड़ी सी कम हो गई थी वो गैस है हाइड्रोजन। लेकिन इसको हमें और प्रमाणित करने के लिए इस प्रक्रिया को और अधिक विस्तारित रूप से करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रयोग अच्छा लगा होगा और इसे आप भी करके देख पाएंगे, और इस जल अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन की क्रिया को आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी के साथ
मैं नवीन कुमार शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।